हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6/8/2017। इस डेट को एक पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का, और ये सेट 3 है। सेट 1 और सेट 2 मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, और ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजीएल एग्ज़ाम 2018 टीयर 1 और टीयर 2 में। तो इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखें और सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनें, तभी आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चेक होते हैं। तो ये स्पॉटिंग का एक क्वेश्चन है, चिल्का इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे वर्ड ऐसे आए हैं जो सिंपल नहीं हैं। जैसे लगून है, ये ज्योग्राफी में यूज़ होता है। लगून एक पॉन्ड होता है, एक तालाब टाइप का होता है, जो कि सी के आसपास ही बन जाता है। सॉल्ट वाटर का एक लगून होता है, एक पॉन्ड होता है, जो कि कोरल रीफ से अलग होता है, बड़े समुद्र से। इसको एक छोटा सा पॉन्ड आप मान सकते हैं सॉल्ट वाटर का। ठीक है, ब्रैकिश का मतलब होता है थोड़ा सा जो नमकीन होता है, जैसे सॉल्टी होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश। और चिल्का झील के बारे में आपने सुना होगा, ये उड़ीसा में है। चिल्का इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। तो चिल्का जो है एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इससे पहले दा नहीं आएगा, लार्जेस्ट से पहले दा आएगा, जो कि सही है। ब्रैकिश वाटर लगून, ये सही है। और इन एशिया, एशिया से पहले यहाँ पर दा नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी नो एरर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक पार्ट को एनालाइज़ करना है। जब आप एरर्स निकालें तो एक एक पार्ट को एनालाइज़ करते हुए जाएं। जैसे ये पार्ट में आपने पहले एरर देखी और इस पार्ट में एरर नहीं मिली, तो इसके बाद फिर आगे बढ़ना है, उसके बाद फिर यहाँ आना है, और उसके बाद फिर नो एरर। तो पार्ट बाई पार्ट इसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं, द क्लाइम अपसाइड द माउंटेन वॉज नॉट ईजी। क्लाइम, देखिए क्या होता है, क्लाइम माने चढ़ना भी होता है, और क्लाइम ऊपर की तरफ जो जिसको हम बोलते हैं चढ़ती हुई जो घाटी होती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइम। जैसे ये है क्लाइम, ठीक है, ये है आपका रोड और ये है आपका क्लाइम। तो क्लाइम को, ये क्लाइम है ये, ठीक है। क्लाइम को हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाइम मतलब चढ़ाव, ठीक है। एक होता है उतार, जैसे ये उतार होता है, और एक होता है चढ़ाव। तो चढ़ाव को हम क्लाइम भी बोल सकते हैं। क्लाइम यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि नॉट ईजी, द क्लाइम अपसाइड द माउंटेन वॉज नॉट ईजी। ठीक है, मतलब वो चीज़ ईजी नहीं थी। और ईजी क्या है? ईजी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हम किस चीज़ के लिए लगाते हैं? नाउन के लिए लगाते हैं। तो इसलिए ईजी जो यूज़ हुआ है, ये क्लाइम के लिए यूज़ हुआ है, और एडजेक्टिव को हम केवल और केवल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्लाइम यहाँ पर एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइम का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ने वाला जो चढ़ाव होता है, उसको हम क्लाइम बोलते हैं। तो इसलिए अपसाइड जो वर्ड है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है या एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह बोल सकते हैं द क्लाइम ऑफ द माउंटेन। अपसाइड की जगह आपको यहाँ पर, यदि इम्प्रूव करना हो इस सेंटेंस को, तो आपको यहाँ पर ऑफ लगाना पड़ेगा, द क्लाइम ऑफ द माउंटेंस। मतलब माउंटेंस का जो क्लाइम था, जो ऊपर का जो चढ़ाव था, वो ईजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। ठीक है, द क्लाइम अपसाइड द माउंटेन की जगह हम बोलेंगे द क्लाइम ऑफ द माउंटेन। सेंटेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ट्रिकी है सेंटेंस, और इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी एग्ज़ाम की एक पहचान है। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर द टिपिकल ऑफ एसएससी एग्जाम। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, द क्लाइम अपसाइड द माउंटेन की जगह आप बोलेंगे द क्लाइम ऑफ द माउंटेन। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ये हम 6/8/2017 के रियल क्वेश्चन, एसएससी के रियल क्वेश्चन का सेट 3 हम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एसएससी सीजीएल के 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का फुल सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एसएससी सीजीएल टारगेट बैच 2018 में करवाया जा रहा है। ठीक है, ये टारगेट बैच इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन की तरफ से शुरू किया गया है एसएससी के सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, जो एसएससी में निकलना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये टारगेट बैच क्रिएट किया गया है इंग्लिश के लिए। और इसमें इंग्लिश के अलावा आपको जीके पूरी तरीके से फ्री इसमें आपको मिलेगा, और ई बुक्स और पीडीएफ भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी।
तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर का फुल सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एसएससी में निश्चित सफलता के लिए अति आवश्यक है, निश्चित रूप से अति आवश्यक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का जब आप सॉल्यूशन पूरा करते हैं तो उससे आपको एक आइडिया लगता है कि नेक्स्ट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें हम इंग्लिश के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, 2017 के 43 सेट, 2016 के सारे सेट और 14 और 15 के भी हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे टारगेट बैच में सभी स्टूडेंट्स को करवाए जाएँ। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हम जीके के भी प्रीवियस ईयर से लेंगे इस टारगेट बैच में। तो यदि आप निश्चित सिलेक्शन लेना चाहते हैं और यदि आप डिटरमिंड हैं कि 2018 में आपको सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप ये टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन टारगेट बैच के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक टारगेट बैच जो है वो पूरा कॉम्बो है जिसमें टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का गाइडेंस मिलेगा। उसका जो फीस रहेगा एक साल के लिए वो रहेगा 2699। और यदि आप केवल टीयर 1 के लिए करना चाहते हैं तो उसका फीस रहेगा 1699। टीयर 1 वाले बैच को आप बाद में जो हमारा जो फुल कोर्स है उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये हमारे कॉल, व्हाट्सएप एंड पेटीएम के नंबर हैं, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपको करना है तो इन नंबर्स पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। रिचुअल्स प्ले इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सोसाइटी। अब यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपका वोकैबुलरी का भी टेस्ट है और आपका ग्रामर का भी टेस्ट है। ग्रामर का टेस्ट आपका इसलिए है, जैसे यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक नाउन है। मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एडजेक्टिव रखेंगे तभी तो वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझने की क्रिया, समझने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। और एडजेक्टिव भी ऐसा होना चाहिए जिससे आपको इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सही तरीके से निकल के सामने आए। अब यहाँ पर देखिए, टैक्टफुली तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि टैक्टफुली तो एक एडवर्ब है, वो तो वर्ब के साथ आएगा। और टैसिटली भी एक एडवर्ब है क्योंकि ly लगा हुआ है। ly अगर लगा है तो इसका मतलब ये एडवर्ब हैं और ये वर्ब के साथ आएंगे, ठीक है। तो ये आपने काट दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब बचा टैसिट और टैसिटर्न। टैसिटर्न होता है रिजर्व, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको, टैसिटर्न को, ठीक है। अब देखिए, यदि आपको इस सेंटेंस का मतलब भी नहीं पता तो भी आपका सही आंसर सामने निकल के आ गया, तो इसलिए एक सही मेथड को अपनाना बहुत ज़रूरी है एसएससी एग्ज़ाम में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। टैसिट का क्या अर्थ है, टैसिट का अर्थ होता है इम्प्लाइड, मतलब जिस चीज़ को कहा नहीं गया है, जिसको एक्सप्रेस नहीं कहा गया है, किया गया है, वो अपने आप ही अंडरस्टूड है, उसको हम बोलते हैं टैसिट। तो रिचुअल्स प्ले इनटू द टैसिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सोसाइटी। जो रिचुअल्स होते हैं, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी मदद से हमें यह पता पड़ जाता है कि हमारे सोसाइटी का कल्चर क्या रहा होगा। रिचुअल्स प्ले इनटू द टैसिट अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ऐसी होती है जो इम्प्लाइड होती है, वो एक्सप्रेस नहीं होती। उसकी मदद से हमें किसी भी सोसाइटी के कल्चर का और किसी भी सोसाइटी का पूरा डिटेल हमें पता पड़ जाता है रिचुअल्स की मदद से। जैसे इंडिया में हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, ठीक है, अमेरिका में हाथ मिलाते हैं, या जो भी जैसे मैरिज के जो कस्टम्स होते हैं, तो उन कस्टम्स की मदद से ही तो हमें पता पड़ता है कि सोसाइटी का क्या कल्चर है या क्या रहा होगा इसका कल्चर। तो वो जो रिचुअल्स होते हैं उससे हमें एक इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग का पता पड़ता है सोसाइटी के बारे में। टैसिट अंडरस्टैंडिंग मतलब इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने अप्रोच किया। पहले हमने एलिमिनेट किए दो ऑप्शंस को जो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें से हमने एक ऑप्शन को इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पर ये सेट नहीं हो सकता। टैसिटर्न जो है इसका अर्थ होता है रिजर्व और यहाँ पर ये नहीं आ सकता, तो इसलिए सही इसका जो आंसर होगा वो होगा टैसिट, TACIT, जिसका अर्थ होता है इम्प्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। रिपीटिशंस ब्रेड अ सेंस ऑफ विद द करेक्टर्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी आपका ग्रामर का भी इसमें टेस्ट है और वोकेबलरी का भी टेस्ट है। रिपीटिशन ब्रेड, देखिए ये ब्रीड का सेकेंड फॉर्म है। ब्रीड का मतलब किसी चीज को पैदा करना, ठीक है। रिपीटिशंस ब्रेड अ सेंस ऑफ विद द करेक्टर मतलब रिपीटिशन पैदा करता है एक तरह का सेंस, लेकिन वो सेंस किस चीज का सेंस क्रिएट करता है, यानी यहां पर आपको चाहिए एक नाउन, ठीक है। रिपीटिशन ब्रेड अ सेंस ऑफ व्हाट, ठीक है, और इस व्हाट का जो आंसर होगा वो होगा नाउन। तो यहां पर इन चारों वर्ड में से जो भी नाउन है वो आपको सही आंसर
होगा। अब देखिए फैमिलियर वर्ड दिया है, तो फैमिलियर क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं उससे फैमिलियर हूँ, तो फैमिलियर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। फैमिलियराइज ये वर्ब हुआ, ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव है। फैमिलियरली, फैमिलियरली इसमें एलवाई लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है। अब देखिए भले ही आपको इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता, आप केवल ग्रामर की इन डेप्थ नॉलेज से इसका सही आंसर आप निकाल सकते हैं। फैमिलियरली एडवर्ब है, फैमिलियर एडजेक्टिव है, फैमिलियराइज वर्ब है, और फैमिलियरिटी जो है ये एक नाउन है। तो रिपीटिशन ब्रेड अ सेंस ऑफ फैमिलियरिटी विद द करेक्टर्स, मतलब जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, तो सपोज किसी भी स्टोरी की बात हो रही है, किसी भी वीडियो सीरियल की बात हो रही है, जब हम उसको रिपीट करते हैं किसी भी करेक्टर को, तो उससे हमें एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी क्रिएट होता है, उससे उसको हम जानने लगते हैं, ठीक है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फैमिलियरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, सिमिलर वर्ड है इंसेंस, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इस वर्ड को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने यूट्यूब वीडियोज़ में। इंसेंस्ड का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होना, जिसको हम इनफ्यूरिएट भी बोलते हैं और एंग्री भी बोलते हैं, एग्जैसपरेटेड भी बोलते हैं। एग्जैसपरेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाना, चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो जाना, और वही सेम अर्थ है इंसेंस्ड का, INCENSED। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा एग्जैसपरेटेड। इस वर्ड को भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एग्जैसपरेटेड, ठीक है। इंसेंस का ये सिनोनिम होगा। एक्स्टेटिक का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, एलेटेड का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, और ब्लाइथ का क्या अर्थ है, ब्लाइथ का अर्थ होता है हैप्पी एंड केयर फ्री, ठीक है। कुछ लोगों का नेचर होता है कि बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा केयर फ्री होते हैं और भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, उनको हम बोलते हैं ब्लाइथ। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा सी, दैट इज एग्जैसपरेटेड, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको कॉन्फिडेंस के साथ करना है। यदि आप थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करते हैं और इंटरेस्ट के साथ स्टडी करते हैं, तो SSC एग्ज़ाम में आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सिंसियरिटी के साथ स्टडी करना है, मन लगा के आपको स्टडी करना है, और चारों ऑप्शन को बहुत डिटेल में आपको एनालाइज करना है। अब देखिए ट्रांसेंड का क्या अर्थ है, ट्रांसेंड का अर्थ होता है गो बियॉन्ड, मतलब जैसे एक व्यक्ति है और उसने, किसी व्यक्ति ने उसको ट्रांसेंड कर दिया, मतलब वो उससे आगे निकल गया। गो बियॉन्ड भी बोल सकते हैं, राइज अब भी बोल सकते हैं, एक्सीड भी बोल सकते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो काफ़ी ब्रिलियंट है, ठीक है, और एक व्यक्ति आता है वो उससे भी आगे निकल जाता है, तो इसने इसको क्या कर दिया, ट्रांसेंड कर दिया, या आप बोल सकते हैं आउटशाइन कर दिया, या आप बोल सकते हैं ओवर शैडो कर दिया, मतलब इसकी जो शैडो थी उसको उसने छुपा दिया, इसकी शेडो जो है वो इससे भी बड़ी हो गई, एक व्यक्ति ने इसको आउटशाइन कर दिया। तो इसीलिए ट्रांसेंड का जो सिनोनिम होगा वो होगा इक्लिप्स। इक्लिप्स का अर्थ भी ओवर शेडो ही होता है, किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा चमकदार बन जाना या ज़्यादा बड़ा बन जाना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसेंड। तो इसीलिए इक्लिप्स यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। फिजल का मतलब होता है जैसे हम दिवाली पर जो पटाखे चलाते हैं उसमें एक हिसिंग साउंड आती है, ठीक है, हिसिंग साउंड के साथ एकदम कोई चीज़ मतलब जल नहीं पाती और फुस की जैसे साउंड आती है, उसको हम बोलते हैं फिजल। अबॉर्ट का मतलब किसी चीज़ का असफल हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड अबॉर्ट, और ब्लंडर का मतलब होता है गलती। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा इक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में और कोई दूसरा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इक्लिप्स ट्रांसेंड का सही आंसर होगा। ट्रांसेंड का अर्थ क्रॉस भी होता है, क्रॉस करना या किसी चीज़ से आगे निकल जाना या ओवर शेडो करना, ठीक है, तो इसलिए इक्लिप्स यहां पर इसका सही आंसर आपका होगा। अपोजिट वर्ड क्या है, इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट जो वर्ड है ये कैपेसिटी से बना है। कैपेसिटी का क्या अर्थ है, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता, ठीक है। तो इनकैपेसिटेट कर दिया आपने किसी व्यक्ति को, तो उसकी क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को कम कर दिया, ठीक है, ये होता है इनकैपेसिटेट का मतलब। और फैसिलिटेट का मतलब क्या है, फैसिलिटेट का मतलब है उसकी हेल्प करना, उसको एड करना। तो इसलिए इनकैपेसिटेट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा फैसिलिटेट, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रिपल का एक्चुअली ये सिनोनिम होगा। क्रिपल का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को इनकैपेसिटेट कर देना या जिस व्यक्ति की टांग खराब होती है उसको भी हम क्रिपल बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जिसकी टांगें होती हैं उसको भी हम क्रिपल बोलते हैं, मतलब उस किसी चीज़ को खराब कर देना उसको भी हम क्रिपल बोलते हैं, ठीक है। इमोबिलाइज मतलब किसी चीज़ को रोक देना,
और माइम का अर्थ होता है किसी चीज़ को डिसफिगर कर देना, उसका उसका रूप बिगाड़ देना, ठीक है। और माइम का जो एंटोनियम होगा वो होगा हील, HEAL, मतलब उसको सुधार देना। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा इनकैपेसिटेट का वो होगा फैसिलिटेट, फैसिलिटेट विल बी द राइट आंसर ऑफ इनकैपेसिटेट। सेंटियंस, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये अपोजिट वर्ड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेंटियंस मतलब सेंटीमेंटल आप मान सकते हैं, या किसी की फीलिंग्स को महसूस कर पाना, उसको हम बोलते हैं सेंटियंस, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका डिसरेगार्ड, क्योंकि डिसरेगार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिगार्ड नहीं करना। तो सेंटियंस का जो अपोजिट होगा वो होगा डिसरेगार्ड। एप्रिशिएशन मतलब प्रशंसा, कॉन्सनसनेस, परसेप्शन मतलब किसी चीज़ की विचारधारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका होगा डिसरेगार्ड। ये कुछ इडियम्स पूछे गए हैं इसी शिफ्ट में, 6/8/2017 के ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। रेट रेस का क्या अर्थ है? रेट रेस का अर्थ होता है कि जैसे सारे लोग पावर और वेल्थ, पैसा कमाने की होड़ में सारे लोग भाग रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में मानसिक शांति नहीं है, या जीवन को वो अच्छे तरीके से शांति के साथ जी नहीं पा रहे हैं, उनके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है, केवल पैसा कमाने की दौड़ में वो भाग रहे हैं दिन रात। सो दैट थिंग इज कॉल्ड रेट रेस। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा अ वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर कॉट अप इन ए फियर्सली कम्पिटेटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ और पावर, ठीक है। जो फियर्सली कम्पिटेटिव जो मार्केट है, जिसमें जॉब्स के लिए कंपटीशन है, बिजनेस करने के लिए कंपटीशन है, उसमें लोग बहुत ही एकदम फंसे हुए हैं और भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रेट रेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं CGL 2018 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्पिन वंस व्हील, एक पहिए को घुमाते रहना। यदि आप एक पहिए को बैठे बैठे स्पिन करते रहते हैं तो घुमाते रहते हैं तो क्या होगा, उसमें आपकी मेहनत तो बहुत होगी लेकिन अचीव कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए स्पिन वंस व्हील का अर्थ होता है कि एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, मतलब ऐसी चीज में एफर्ट डालना जिसमें अचीवमेंट जो है वो कुछ निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा, स्पिन वंस व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज विद ए रेड कर्टेन फॉर ए बैकड्रॉप। मेकशिफ्ट का क्या मतलब है? मेकशिफ्ट का मतलब है काम चलाओ, ठीक है। एक काम चलाओ स्टेज को कंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर वॉज लगा हुआ है और वॉज और वॉज से हमें पता पड़ रहा है कि ये थर्ड फॉर्म मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में हम वॉज वर्ब के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ये होगा स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज वॉज कंस्ट्रक्टेड विद ए रेड कर्टेन फॉर ए बैकड्रॉप। स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज वॉज कंस्ट्रक्टेड, चूंकि एक ही स्टेज है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें वर नहीं आ सकता, इसमें आएगा वॉज। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड द एंडोमेडा गैलेक्सी, मतलब अपनी दूरबीन आप निकालें और एंडोमेडा गैलेक्सी को देखें। तो चूंकि यहां पर इसमें फर्स्ट फॉर्म आई है, टेक आउट मतलब यहां पर इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर भी इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये दोनों वर्ब जो हैं ये एंड के साथ जुड़ी हुई है। तो एंड के पहले यदि फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसलिए इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसमें सी, टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड सी द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टेक अवे और ऑल्टर द नेचर नेचुरल क्वालिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की किसी चीज़ को डिसफिगर कर देना या उसके नेचुरल क्वालिटीज़ को चेंज कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डी नेचर। डी नेचर यहाँ पर सही आंसर होगा। अनएडल्ट्रेट का अर्थ होता है कि जो जिसमें प्रदूषण नहीं है, जो मिलावटी नहीं है। ऑथेंटिक मतलब सही, और लिम्पिड हम यूज़ करते हैं लिक्विड के लिए, लिक्विड जो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके लिए हम लिम्पिड वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहां पर सही जो आंसर होगा दैट इज डी नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फैटिड स्मेल। फैटिड का क्या अर्थ है? फैटिड का अर्थ होता है फाउल, यानी बहुत ही बेकार और अनप्लीजेंट स्मेल, उसको हम बोलते हैं फैटिड स्मेल, ठीक है। तो और डिके का क्या अर्थ होता है? डिके का अर्थ होता है सड़ जाना। तो कोई चीज यदि डिके हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई इज द राइट वर्ड।
न्यूटेरिक मतलब नया और रीसेंट, क्रिस्प मतलब कुरकुरा और वर्जिन मतलब फ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूट्रीफाई आपका सही आंसर होगा, ये प्योरीफाई नहीं है, ये प्यूट्रीफाई है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ए। तो इस तरीके से आपको SSC एग्ज़ाम की स्टडी करना है, और यदि आप प्रीवियस ईयर 2016 और 2017 के करते हैं तो इतना अच्छा आइडिया आपको लगेगा कि आपको बहुत ही आसान लगेगा CGL टीयर 1 और टीयर 2 का पेपर, यदि आप प्रीवियस ईयर बहुत डिटेल में आप करते हैं। और इंग्लिश एडवांटेज टीम की तरफ से एक टारगेट बैच लॉन्च किया गया है टीयर 1 के लिए, और एक पूरा किया गया है टीयर 1 2 3 के लिए। तो इनको यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें इंग्लिश का तो पूरा आपका स्कोर बनता ही है, स्कोर इंग्लिश का आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें GK का कंटेंट आपको दिया जाता है, वीडियो क्लासेस के फॉर्म में, ई बुक्स के फॉर्म में, और पूरा आपको सपोर्ट इसमें किया जाता है। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, उसमें भी हम आपको जोड़ते हैं, तो उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप निश्चित सफलता लेना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट यदि आप निश्चित सफलता लेना चाहते हैं, तो आप हमारा टारगेट बैच आप ज़रूर ज्वाइन करें। और इस टारगेट बैच के थ्रू आप घर बैठे मोबाइल पर सारे वीडियो क्लासेस देख सकते हैं, सारी तैयारी कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो किसी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग से बहुत ही कम है, ना के बराबर इसकी फ़ीस है, कोई भी स्टूडेंट बहुत ही आसानी से इसको अफोर्ड कर सकता है। तो यदि आप थोड़े से भी सीरियस हैं तो इस टारगेट बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करें। 25 जुलाई इसका लास्ट डेट है, और इन टारगेट बैच के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेटीएम नंबर ये है, कॉल व्हाट्सएप और पेटीएम नंबर है ये 9893719933। और जैसे ही पेटीएम से आप पेमेंट करते हैं अपना ईमेल आईडी आप भेज सकते हैं, और उसी ईमेल आईडी पर आपका जो टारगेट बैच है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और अभी से जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसके 10 मिनट के बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करके आप SSC में सिलेक्शन ले सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आप हासिल कर सकते हैं। तो टारगेट बैच आप ज़रूर ज्वाइन करें, और टारगेट बैच आप ज्वाइन करते हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और पूरा पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो क्लास को ख़त्म करता हूँ, और अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।